हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू डियर स्टूडेंट। दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। इन दिस यूनिट आई विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आज का जो टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ से रिलेटेड है कि कौन कौन से मेथड, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। आज सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे, द डिटेल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द लेंथ। What is length? Length हमारे पास क्या होती है? Length क्या होगा हमारे पास? इसको हम define करते हैं। क्या होगा? It is defined as the separation between two point in the space, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं, लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम लेंथ बोलेंगे। लाइक जो मार्कर है, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो सेपरेशन होगा, दैट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द मार्कर। फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड। फ्रॉम this point to this point represent the breadth of the blackboard. तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? The separation between the two points. मतलब इस point और इस point के बीच का जो separation होगा, that represent the length. Unit of length क्या होगी हमारे पास? SI unit, जिसकी हम बात करते हैं। SI unit of length is meter. It represented by symbol of M. ठीक है, लेंथ जो है हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और उसको हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। अदर यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी हमारे पास? CGS, जिसके हम बात करते हैं। CGS यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। क्या होगी? सेंटीमीटर। CM से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, CB छोटा और M भी छोटा। अदर टाइप ऑफ अदर यूनिट जो होंगे हमारे पास, इसको हम यूज करते हैं। अनदर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर, एंगस्ट्रोम भी यूज करते हैं, नैनोमीटर भी यूज करते हैं, माइक्रोमीटर भी यूज करते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट आल्सो देयर यूज इन फिजिक्स और अनदर पार्ट। ठीक है, तो लेंथ मेजरमेंट करने के जो मेथड्स होते हैं हमारे पास, हम उनकी बात कर रहे हैं। मेथड ऑफ मेजरमेंट्स, जो मेथड्स होंगे हमारे पास उसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मोस्टली देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड इज देयर। There are two types of methods for measuring length. दो प्रकार के methods होते हैं जिसके हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। First one is indirect method. ठीक है, जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ होते हैं, मेजरमेंट जो हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, आर इन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। इन डायरेक्ट मेथड देर आर डायरेक्ट मेथड मीन्स वी आर यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लेंथ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं जहां पे हम किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा हमारे पास? विदाउट use of instrument,
इसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मोस्टली कम ही यूज करते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट उसको इनडायरेक्ट मेथड तभी हम बोल पाते हैं जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते, किसी अदर मेथड्स के विद रिस्पेक्ट हम उसको फाइंड आउट करते हैं, तो दे आर द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है मेरे पास मीटर स्केल, क्या होगा मीटर स्केल और हैविंग रेंज, जो मीटर स्केल होता है उसकी जो रेंज होती है वो डिस्टेंस जो मेजर करेगा 10^-3 मीटर to 10^-2 मीटर की, इतने डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल, दैट हैविंग स्केल 0 to 15 सेंटीमीटर, अनदर स्केल फ्रॉम 0 to 30 सेंटीमीटर एंड ए इंची टेप हैविंग सो मच रेंज। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट आल्सो यूज्ड टू मेजर द लेंथ, टू मेजर द सेपरेशन बिटवीन लाइक दिस। ठीक है, तो दिस मेथड वी कैन यूज कि हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ब्रेथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, और विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्केल। सेकंड पॉइंट इज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इसका हम यूज करते हैं जो डिस्टेंस मेजरमेंट होती है अप टू 10^-4 मीटर। ठीक है, आपको मैं शो कर देता हूं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसी के विद रिस्पेक्ट टू मैं आपको एक प्रैक्टिकल पार्ट करके दिखाऊंगा कि ये जो मेरे पास स्केल है आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट को देख पा रहे हो। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो वर्नियर कैलिपर होता है, ये वर्नियर कैलिपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कभी इसकी हम प्रैक्टिकल पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास यहाँ पे स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज का यूज हम फाइंड आउट करते हैं टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ए सीट। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास अप टू 10^-5 मीटर, मतलब ये इससे और भी कम थिकनेस को मेजर कर सकता है। ठीक है, यू सी ए इंस्ट्रूमेंट, दिस इज नोन एज स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज होता है, स्क्रू की तरह ये चलता है। ठीक है, स्क्रू की तरह ऊपर नीचे हो जाता है, तो यहाँ पे इसके बीच में अगर किसी की भी थिकनेस मेजर करनी है तो हम उसको इजीली थिकनेस को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आवाज आने का मतलब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा जब इसके प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास स्क्रू गेज। नाउ फोर्थ वन इज स्पैरोमीटर। स्पैरोमीटर मोस्टली हम इसको किसी भी ग्लास सरफेस का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ ग्लास, उसके फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये भी कब तक मेजर करता है, अप टू 10^-5 मीटर। ठीक है, ये एक ट्राइपोड स्टैंड की तरह होता है। ठीक है, ये ट्राइपोड स्टैंड आप इसमें देख पा रहे हो। ठीक है, इसके तीन पाव हैं। ठीक है, ये भी इस प्रकार से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिकल्स मैं आप लोगों को शो करूंगा कि हम किस प्रकार से इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास होते हैं डायरेक्ट मेथड जिसके हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं उसको भी हम कितने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, फॉर लार्ज डिस्टेंस, मेजरिंग ऑफ लार्ज डिस्टेंस, और फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड्स को भी हम दो जगह पे यूज करते हैं, एक हमारे पास कौन से होते हैं, लार्ज होते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे हमारे पास उसकी हम बात करें। सबसे पहला जो मेथड होता है हमारे पास, टेंथ क्लास की हम बात करते हैं, जहां पे हमने टेंथ क्लास में बहुत सारी मेथड सीखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्राइंगुलर मेथड। ठीक है, एक ट्रायंगुलर मेथड होता है जिसमें हम टेंजेंट से किसी भी हाइट निकाल सकते हैं, एंगल फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर मेथड कहलाता है। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम हाइट की बात कर रहे हैं, सेपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, शेडो फॉर्मेशन, तो डिफरेंट हमारे पास पार्ट होते हैं इसके अंदर। तो ये भी दो जगह पे यूज होते हैं, एक होता है हमारे पास एसेसिबल ऑब्जेक्ट जो हमारी पहुंच के अंदर होते हैं, और दूसरे होते हैं इनएसेसिबल जो पहुंच से ज्यादा दूर होते हैं, मतलब जिसको मेजरमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है,
एसेसिबल्स का मतलब होगा किसी भी ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है या फिर बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है तो वी कैन मेजर इजीली विद द मेथड्स ऑफ ट्रेंगुलर मेथड। और माउंटेन हिल्स की अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये दोनों मेथड्स जो होंगे हमारे पास वो कुछ कैटेगरी के अंदर आते हैं, ट्रेंगुलर मेथड्स के अंदर आते हैं जिसमें हम इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि पैरेलेक्स मेथड का हम यूज किस में करते हैं। ठीक है, तो पैरेलेक्स मेथड का जो यूज करते हैं उसके लिए क्या होगा हमारे पास, इसका पहला पॉइंट होता है टू फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार और जिसका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से लेस देन हो, लेस देन 100 लाइट ईयर। ओके, लाइट ईयर की भी हम बात करेंगे लेकिन लाइट ईयर क्या होता है, तो पहला मेथड हमारे पास क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय स्टार जो होता है उसका डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द मून, मून प्लेनेट, ठीक है। थर्ड वन इज डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून, मून का अगर डायमीटर निकाला तो उस कंडीशन में भी हम किस चीज का यूज करते हैं, पैरेलेक्स मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस वन फिजिक्स से रिलेटेड, जो पैरेलेक्स मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई विल शो ए प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो फॉर दैट, इसको किस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो कि कौन कौन से पार्ट्स हमने लिखे हैं, उसके फिर पार्ट नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। ओके, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास लार्ज डिस्टेंस होता है उसको हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। तो उसके पार्ट्स मैंने लिखे, ठीक है, ये दो हमारे पास, एक एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल डायरेक्ट मेथड पैरेलेक्स मेथड्स का हम कहां पे यूज करते हैं, तो वो पार्ट हमने यहाँ पे लिखा। इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर ही जो लार्ज डिस्टेंस का थर्ड पार्ट होता है उसमें हम यूज करते हैं इंटेंसिटी मेथड। ठीक है, एक इंटेंसिटी मेथड होगा हमारे पास, देखते जाएं सुनते जाएं, सोनार नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि सोनार मेथड्स क्या होता है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, लेजर मेथड हायर क्लासेस में ज्यादा यूज होने वाला मेथड्स होगा हमारे पास लेजर मेथड। कोपरनिक्स मेथड ये भी ज्यादा मोस्टली यूज होने वाला एक मेथड होगा हमारे पास जिसके हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड वन इज आप लोगों ने इको के बारे में जरूर सुना है, इको या फिर रिफ्लेक्शन मेथड, इसके भी हम बात करेंगे। ये भी किस कैटेगरी के अंदर आता है हमारे पास, इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर आता है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि इनडायरेक्ट मेथड्स जो होते हैं वो ज्यादा है एज कम्पेरिजन टू अदर, कि जिस पार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोपरनिक्स इंटेंसिटी। ठीक है, और इसी के अंदर 2-3 मेथड्स और भी होंगे जिसके हम आगे चल के भी बात करेंगे। अब आता है हमारे पास सेकंड जो स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट का पार्ट होता है उसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेज होंगे, तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मॉल डिस्टेंस के लिए, स्मॉल डिस्टेंसेज बाय इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एटॉमिक साइज। ठीक है, पहला क्या लिखा हमने यहाँ पे, जो एटॉमिक साइज बोल सकते हैं या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बाय एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, इसकी भी बहुत इजीली है समझने में, बिल्कुल आसानी होगी। आई हैव एन एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी वी शो दैट कि हाउ टू मेजर। नाउ सेकंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लेके चलेंगे ऑयलिक एसिड मेथड। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें हम किसका यूज करेंगे, ऑयलिक एसिड का यूज करेंगे, उसका हम यहाँ पे साइज फाइंड आउट करेंगे।
तो ये पार्ट हमारे पास था जिसकी मैंने आप लोगों के साथ बात की है अभी अभी। सिर्फ मैंने सिर्फ आज क्या बताया इसके अंदर कि जो मेथड्स हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ लेंथ के, मेथड्स क्या क्या है, लेंथ क्या होती है, लेंथ क्या है सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट इन द स्पेस, जो दो पॉइंट हमारे पास है स्पेस के अंदर, तो वो क्या कहलाती है लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, फर्मी, सो मेनी टाइप्स आर देयर। ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट के मेथड्स हैं वो कितने मेथड्स हमारे पास है, टू मेथड्स जिसकी हमने बात की, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स जिसकी हम बात करें। डायरेक्ट मेथड्स में हमने किसके बारे में बात की, मीटर स्केल के बारे में बात करी, मीटर स्केल। सेकंड हमारे पास क्या होता है, स्क्रू गेज, आपको मैंने शो किया कि स्क्रू गेज क्या होता है। थर्ड वन क्या होगा हमारे पास, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, और फोर्थ वन क्या होगा हमारे पास, स्पैरोमीटर। तो ये जो जहां पे हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, मतलब उस डायरेक्ट मेथड्स में हम किस चीज का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उन चीज को मेजर करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर क्या क्या होते हैं हमारे पास, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर दो प्रकार के मेथड्स होते हैं, इनडायरेक्ट भी एक लार्ज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए और एक स्मॉल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड्स में किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, ट्री की हाइट मेजर करनी है, माउंटेन और हिल्स की हाइट मेजर करनी है, तो उसमें हम ट्रायंगुलर मेथड का यूज करेंगे। 10th क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करके आते हो आप लोग। सेकंड इज पैरेलेक्स मेथड, तो पैरेलेक्स मेथड के अंदर भी तीन टाइप की कैटेगरी आ जाती है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार, मून, प्लेनेट, डायमीटर ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ मून। थर्ड इज इंटेंसिटी मेथड, सोनार, लेजर, कोपरनिक्स, इको रिफ्लेक्शन मेथड। और सेकंड जो मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, जो हम स्मॉल डिस्टेंसेज मेजर करते हैं, स्मॉल डिस्टेंसेज के मेजरमेंट के भी दो पार्ट्स हैं, वन इज एटॉमिक रेडियस ऑफ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस एंड सेकंड वन इज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑयलिक एसिड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी डू द ट्रेंगुलर मेथड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द थ्योरेटिकल पार्ट एंड देन डू द प्रैक्टिकल पार्ट, मीटर स्केल, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, स्पैरोमीटर को हम किस प्रकार से यूज करते हैं और किस प्रकार से हम डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट होगा और ये हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट हम पहले करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।